हेलो बच्चों, आज गणित की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दिखाऊंगी। बच्चों, मेरे पास में एक चौकोर व्हाइट शीट है। मैंने इसके चार बराबर हिस्से किए हैं। अब मैंने इसके एक हिस्से में रंग भर दिया है। प्लीज, अब चार हिस्से में से एक हिस्से में कलर है और बाकी तीनों हिस्सों में कलर नहीं है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये एक हिस्सा बाकी जो पूरे भाग हैं चार, उनका कौन सा हिस्सा है? बच्चों, आज हम हिस्से और पूरे नामक पाठ से इन संख्याओं को लिखना जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुल कितने हिस्से हैं? चार। रंगा हुआ हिस्सा है एक, तो हम इसको लिखेंगे एक बटा चार। और ये एक भिन्न या फ्रैक्शन है, जिसमें एक है अंश, जिसको हम इंग्लिश में न्यूमिरेटर कहते हैं, और चार है हर, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो आज हम हिस्से और पूरे पार्ट में भिन्नों को लिखना सीखेंगे। अब हम एक और छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। बच्चों, मेरे पास में ये एक कुछ रबर के ब्लॉक्स हैं। ये 12 ब्लॉक्स हैं और इनमें 10 ब्लॉक्स पिंक कलर के हैं और 2 ब्लॉक्स येलो कलर के हैं। अब हम जानेंगे कि हम इनको भिन्नों के रूप में अलग अलग कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, आओ देखते हैं। टोटल ब्लॉक्स हैं 12, जिनमें येलो ब्लॉक्स हैं 2, पिंक ब्लॉक्स हैं 10। अब हम जानेंगे कि येलो बॉक्स को भिन्नों के रूप में कैसे लिखेंगे। तो इनकी भिन्न होंगी, कुल हिस्से हमारे 12, उसको हम हर के रूप में लेंगे, और येलो ब्लॉक्स है हमारे पास 2, तो इसकी भिन्न होगी 2/12, जिसमें 2 अंश है और 12 हर है। इसी तरह से यदि मैं आपसे पूछूं कि पिंक ब्लॉक्स की भिन्न क्या बनेगी, तो उसकी भिन्न होगी, टोटल ब्लॉक्स हमारे पास कितने हैं? 12, और पिंक ब्लॉक्स है 10, तो इनकी भिन्न होगी 10/12। तो बच्चों, हम इस तरह से संख्याओं का या फिर किसी चीज के हम कुछ हिस्से कर लेते हैं, उनकी भिन्नों को लिखना सीख सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक समस्या प्रश्न रखती हूँ। जैसे कि मीना के पास एक चॉकलेट थी, उसने उसके 12 हिस्से किए और आधा हिस्सा अपनी बहन को दे दिया, तो उसने अपनी बहन को कितने चॉकलेट के कितने भाग दिए? इसको हम जानेंगे, कुल हिस्से 12, बहन को दिया 12 का आधा। बच्चों, का मतलब होता है गुणा, मतलब 12 × 1/2। 12 की हमने 1 में गुणा की और 2 से भाग दिया, तो 2 से भाग देने पर हमें मिले 6 हिस्से। तो मीना ने अपनी बहन को 12 में से 6 हिस्से दिए। इसी प्रकार एक और समस्या प्रश्न रखते हैं। रहीम के पास कुल 15 टोपियां थी, उसने अपने दोस्त को इन टोपियों का 1/3 हिस्सा दे दिया, तब उसने अपने दोस्त को कितनी टोपियां दी? तो कुल टोपियां 15, दोस्त को मिली 15 का 1/3। 1/3 मतलब 1/3, 15 का 1/3 यानी कि 15 × 1/3। 15 को हमने 1 से गुणा किया और 3 से भाग दिया, तो हमें मिला 5। तो रहीम ने अपने दोस्त को 5 टोपियां दी। तो बच्चों, इसी प्रकार आप संख्याओं का 1/4, 1/4, 2/4, 2/4 आदि इत्यादि निकाल सकते हैं। और आपकी बुक में नंबर 54 से 62 तक इसी तरह के प्रश्न हैं। आप उनको वीडियो देखकर हल करने की कोशिश करो। धन्यवाद।